एक्शन। आदाब, क्या खास बना रही है आज आप? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे अप्पी, आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तभी तो हमारे जीजू अभी तक टिके हुए हैं, वरना आपके और जीजू के मिजाज में तो बहुत फर्क है। कहाँ हमारे जीजू इतने खुश मिजाज और कहाँ आप इतनी बोरिंग। हाँ हाँ, आप तो जैसे बड़ी खासियतों की मिसाल है ना। ओहो अप्पी, यू आर अ डार्लिंग टू मी। बस आपको छेड़ दो, उसके बाद आपको छेड़ते हुए देख के जो मजा आता है ना, क्या बताऊं मैं आपको। और रही बात मेरी खासियतों की, तो उसे आपको गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो जानती है कि मैं कौन हूँ। वैसे इस बात पे ना एक शेर याद आता है, अर्ज करती हूँ कि अकड़ के वो नहीं चलते जो आला जर्फ होते हैं, अकड़ कर वो नहीं चलते जो आला जर्फ होते हैं, सुराही सरनगू होती है तो पैमाना भरता है। वाह वाह वाह, समझ आया आपको इसका मतलब? पता है आपको वहां शायरी समझ आएगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग खास होते हैं उन्हें बताने की या जताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि वो कितने खास हैं। जैसे कि मैं। आई नो यू आर द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द वर्ल्ड। चलिए अब खाना खा लें जी। चलो।